चलिए अब सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोटिवेटर्स भी हैं, मोटिवेटर भी हैं और काफ़ी इनका वहां पर नाम है और काफ़ी आर्टिकल्स अखबारों में इनका वीकली छपते रहते हैं। बच्चन सिंह राणा जी हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तथा हिंदू संगठनों के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हिमाचल के कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ इन्होंने एक बार इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। डॉक्टर विजय विद्यार्थी रविदास सभा के प्रदेश प्रवक्ता, जो हिमाचल प्रदेश की रविदास सभा है उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महासचिव हैं और इन्होंने पहले टीचिंग का काम भी किया हुआ, बैजनाथ असेंबली से ये बिलोंग करते हैं। श्री राजकुमार जी ये रिटायर्ड SDO हैं और हिमाचल प्रदेश के कबीरपंथी सभा के संयोजक हैं पूरे प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कन्या फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं और ये समाज सेवी हैं। श्री सुरेश धीमान जी, ये सुरेश धीमान जी रिटायर्ड SDO हैं, धीमान सभा हिमाचल प्रदेश के संयोजक तथा अखिल भारतीय प्रगतिवादी धीमान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये भी काफ़ी फेमस समाजसेवी हैं और इनकी पत्नी 2 बारी जिला परिषद के चुनाव लड़ चुकी हैं। कैप्टन बलजीत सिंह डडवाल भूतपूर्व सैनिक लीग के सबसे पुराने तथा संस्थापक सदस्य हैं, देहरा इकाई के फौजियों के अध्यक्ष हैं। ऋषि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। संतोष कनूरिया जी ये व्यवसायी हैं, इनकी पत्नी कांग्रेस की एक्स प्रदेश इकाई की सदस्य रही हैं स्टेट लेवल पर और जिला परिषद मेंबर भी रही हैं और इनकी ये खुद भी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं। राजेश भारद्वाज जी हिंदू रक्षा महासभा के सभा के महाराष्ट्र महासचिव हैं और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और वहाँ पे समाज में काफ़ी काम करते रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से, अरविंद केजरीवाल के जो किए गए कामों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्योंकि हिमाचल से दिल्ली डिस्टेंस काफ़ी है तो कांगड़ा के अंदर 8 मई आने वाली 8 मई को ये एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें लगभग 1000 के करीब इनके सभी कार्यकर्ता जो इनके साथ जुड़े हुए हैं 1000 लोग 8 मई को साथ में ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये लोग रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी उस टीम से आए हैं तो इनके साथ साथ हर एक के साथ 200 300 150 लोग जो कार्यकर्ता हैं वो सब ज्वाइन करेंगे 8 मई को कांगड़ा पे। एनी क्वेश्चन इसको लेकर अभी नहीं, उसके लिए 2:30 बजे। देखिए पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं जो ट्रेन्स होती हैं वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। सर आपने भी खत में कहा था कि बिजली आपूर्ति में बाधित मतलब बाधा आ सकती है, मेट्रो अस्पताल इन तमाम चीज़ों को जोड़ा था तो अभी कितना माने कि अभी बैकअप है या क्या? कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। दादरी और उंचाहार में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं, उसके अंदर 21 दिन का कोयला होना चाहिए। 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 नहीं 7 दिन का तो हो। तो दिल्ली में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान आप में कई लोग शामिल भी हुए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।